सारे तरीके भूल जाएंगे जब आलू और गोभी की मसालेदार सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। एक बार इस तरीके से बनाकर खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं एक पीस गोभी, दो पीस आलू जिसे छील कर लिए हैं, चार पीस हरी मिर्च है और एक टमाटर है। तो गोभी को पीसेस में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मीडियम साइज के पीसेस इस तरह से तोड़ लेते हैं या चाकू से इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोटा है उसे पीछे से थोड़ा सा काट लेंगे। अब यहाँ पर आलू को बीच से काट लेंगे और ये थोड़े बड़े साइज में आलू हैं तो फिर दोबारा से बीच से काट कर इसके मीडियम साइज के पीसेस काट लेने हैं। इस तरीके से देखिए, ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा आलू को काट लेना है। और अब इसे पानी में डालकर दो से तीन बार पानी से धो लेंगे और गोभी को भी अच्छी तरह से दो से तीन बार धो लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से धो लेना है, गोभी को भी अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे पानी से निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, गोभी में कभी कभी थोड़े बहुत कीड़े भी रहते हैं, अच्छी तरह से निकाल कर लेना है। और यहाँ पर चार पीस हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी एकदम बारीक काट लेना है। यहाँ पर इस सब्जी को बनाने के लिए ये खड़े मसाले यूज करेंगे जिसमें एक चम्मच तक गुलकी है और जीरा है। और यहाँ पर 10 से 12 पीस लहसुन की कलियाँ हैं और चार पीस डालेंगे लाल मिर्च। तो अपने तीखे के अनुसार ही मिर्च डालें इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे बारीक पीस लेने हैं। इस तरीके से मसाला जब तैयार करेंगे तो सब्जी का टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर इसे पीस लिए हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच तक तेल डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाए तो थोड़ा सा डालेंगे सरसों और दालचीनी डाल देंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें गोभी डाल देंगे, तो यहाँ पर गोभी और आलू दोनों एक ही साथ डाल देना है और इसे अब मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इसे हल्का सा सुनहरा कलर कर लेंगे, इससे होगा कि सब्जी आधी पक भी जाएगी और एकदम स्वादिष्ट भी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इसे सुनहरा कलर होने तक भून लिए हैं। अब इसमें आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे थोड़ा सा कलर आएगा। अब यहाँ पर इसमें पिसे हुए मसाले डाल देते हैं। तो आप जब भी सब्जी बनाते हैं तो अगर सूखे मसाले डालते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए पानी में रख कर ही इसे बनाएं, या फिर इस तरीके से अगर मसाला बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर इसे भून लेना है अच्छी तरह से, एकदम मसाले अच्छी तरह से सूख जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट तक इसे चलाते हुए भून लिए हैं और ये एकदम अच्छी तरह से भून गई है। मसालों को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे सब्जी का स्वाद उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, मिक्सी जार में थोड़ा सा डालकर इसमें डाल देंगे ताकि मसाले जो अच्छी तरह से भुने हैं उसमें थोड़ा सा ग्रेवी आ सके, और इसे दोबारा से चला लेंगे। तो मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं फ्रेंड्स, तो अब इसमें ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे पानी। तो 1 से 1.5 गिलास के लगभग डालेंगे पानी मीडियम गिलास से। यहाँ पर एक पीस बारीक कटे हुए टमाटर है और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे ढक कर 4 से 5 मिनट तक पका लेना है, जब तक इसका पानी हल्का सा सूख ना जाए और ये अच्छी तरह से पक ना जाए। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं और यहाँ पर अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ग्रेवी इतनी ही हमें चाहिए, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जब ग्रेवी रखेंगे तो ये थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। आलू देखिए अच्छी तरह से पक गए हैं, इसे काट कर दिखा रहे हैं। तो अब गैस को बंद कर देंगे।
तो एकदम टेस्टी और झटपट बनने वाले आलू और गोभी की मसालेदार सब्जी तैयार है। और इसे देखिए प्लेट में निकाल लेंगे। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ियों के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते ऊपर से डाल देते हैं। तो ये लीजिए, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। और रेसिपी मेरी अच्छी लगे, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।